हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एडिशन टॉपिक लेकर आई हूँ। बच्चों को एडिशंस कैसे सिखाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों को एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर, सबसे पहले वन डिजिट नंबर सिखाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू एडिशंस करना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई हुई है, मैंगो की वन पिक्चर बनी हुई है, तो यहाँ पे वन लिखेंगे। फिर यहाँ पे टू पिक्चर्स बनी है, टू लिखेंगे। फिर वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री। बच्चे को यहाँ से काउंट करनी है पिक्चर्स, वन टू थ्री, तो यहाँ पे थ्री लिख देगा। उसके बाद ऐसे यहाँ पे बेल्स बनी हुई है, यहाँ पे टू बेल्स हैं, टू वन टू, फिर उसके बाद वन टू टू, उसके बाद पिक्चर्स को काउंट करेगा, वन टू थ्री फोर फोर। तो एक तरीका तो ये हो गया कि पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को कैसे एडिशंस कराए जाते हैं। उसके बाद आता है एडिशन बाय ड्राइंग लाइंस। ड्राइंग लाइंस के थ्रू बच्चे को कैसे एडिशंस कराया जाएगा, यहाँ पे मैंने सिंगल डिजिट ही लिखी है क्योंकि अभी हम वन डिजिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वन लिखा है, तो वन लाइन बनाएगा, उसके बाद टू, वन टू, फिर उसके बाद इसको काउंट करना सिखाएं, वन टू थ्री थ्री। सेम ऐसे इधर वन टू, वन टू, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, वन सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। के कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे इफ वी एड वन इन अ नंबर देन वी विल गेट नेक्स्ट नंबर। अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं, वन नंबर ऐड करते हैं, तो हमेशा हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे फोर और वन लिखा हुआ है, अगर हम फोर और वन को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, फाइव। फाइव में वन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सिक्स। सिक्स में वन प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सेवन। इसी चीज़ को हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, तो हमेशा नेक्स्ट नंबर आएगा। फोर के बाद फाइव आता है, फाइव के बाद सिक्स आता है, सिक्स के बाद सेवन आता है। उसके बाद आता है इफ़ वी एड ज़ीरो इन अ नंबर देन वी विल गेट सेम नंबर। अगर हम किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो हमेशा हमें वही नंबर मिलेगा जिसमें हम जीरो ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर प्लस ज़ीरो, अगर हम फोर में जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब फोर ही आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर फाइव प्लस ज़ीरो, सिक्स प्लस ज़ीरो, सिक्स। तो बच्चों को ये फैक्ट्स भी ज़रूर बताएं, कुछ फैक्ट्स जो होते हैं बहुत ईजी होते हैं, बच्चों को ईजीली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर। अब हम बात करते हैं टू डिजिट्स में कैसे हम ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने टू फोर वन थ्री, तो बच्चों को पहले वंस और टेंस का बताएं, और इसके बाद ये भी बताना ज़रूरी होगा इसमें कि हमेशा हम पीछे से ऐड करते हैं, यानी वंस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लाइन्स वाला मेथड बताती हूँ, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, उसके बाद काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन, उसके बाद वन टू, इधर काउंटिंग लिखेगा, उसके बाद वन, वन टू थ्री, लाइक दिस। इस तरीके से हम ड्राइंग लाइंस का मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देन फोर, वन टू थ्री फोर, फिर उसके बाद काउंटिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो इस तरीके से ड्राइंग लाइंस का यूज़ करके बच्चों को सम्स सिखा सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड आता है फिंगर के थ्रू। फिंगर के थ्रू हमें कैसे सिखाना होगा, जैसे यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, तो वन टू थ्री, देन वन टू, फिर उसके बाद काउंटिंग, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इस तरीके से भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद फोर
और थ्री, वन टू थ्री फोर, देन वन टू थ्री, फिर उसके बाद काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो फिंगर्स का मेथड भी यूज करके सिखाया जा सकता है। अब थ्री डिजिट नंबर का मेथड देख लेते हैं, एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर। यहाँ पे पहले बच्चों को बताएंगे वंस, टेंस और हंड्रेड। यहाँ पे थ्री डिजिट यूज हो रही है इसलिए हम यहाँ पे हंड्रेड का भी यूज करेंगे और हमेशा पीछे से स्टार्ट करेंगे यानी वन से स्टार्ट करेंगे। देन ड्राइंग लाइंस वन टू थ्री फोर, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से काउंटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद वन टू थ्री, वन टू थ्री, देन वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स वन टू, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चों को आप पिक्चर्स के थ्रू काउंटिंग करना सिखाएं, उसके बाद ड्राइंग लाइंस का सिखाएं और उसके बाद फिंगर्स का मेथड यूज करके सिखाएं। और इस तरीके से अगर आप स्टेप बाय स्टेप एडिशंस करना सिखाएंगे तो बच्चों को इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।